हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाइब्रिड व्हीकल्स में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिजिटल मीटर। जो जिन भाइयों को डिजिटल मीटर लगवाना है अपनी गाड़ियों में, और जो ये पुराना मीटर जो आता है गाड़ियों के साथ, ये इसके साथ मीटर चेन लगी हुई होती है जो यहाँ नीचे कनेक्ट होता है, तो आप इसको हटा दीजिए। काफ़ी लोग इससे परेशान हो चुके होंगे तो कि ये मीटर प्रॉपर वर्क नहीं करता है, या फिर किलोमीटर नहीं शो हो रहा है, या तो इसकी मीटर चेन बार बार ख़राब हो रही है। तो इसका एक बढ़िया सा सलूशन है कि आप डिजिटल मीटर ले आइए, और इसके कनेक्शन आप कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही आप मीटर लाओगे, आपको इस मीटर में 6 तार देखने को मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 1, 2, 3, और 3 इसमें लगी हुई है। तो अगर आपका मीटर किसी अदर कंपनी का है, तो आप सिंपल इसमें एक ये रेड होता है और एक ब्लैक होता है, या फिर ग्रीन होता है। तो ये जो दोनों सप्लाई जो होती है, रेड और ग्रीन, ये बेसिकली 48 वोल्ट की होती है। और ये जो तारे होती है, इसमें से दो इसकी इंडिकेटर की होती है, और एक जो होती है वो आपकी हेडलाइट की होती है, और दूसरा मीटर की होती है जो यहाँ से आपके कंट्रोलर में से आती है। तो अगर आपके पास ये मीटर लगा हुआ है, तो अभी इसका तार इसमें लगा हुआ नहीं होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, पहले मीटर लेना है, ये आपका कपलर हुआ है, ठीक है, रेड में रेड जोड़ना है, और जो ग्रीन है उसमें ब्लैक जोड़ना है। जैसे ही आप इसमें लगाओगे, ये आपका मीटर स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, यहाँ तो आपको स्पीड शो होगी। मैं इसकी पॉलिथिन हटा देता हूँ, आपको यहाँ स्पीड शो हो जाएगी। यहाँ पे आपको बैटरी की वो शो हो जाएगी, कितने वोल्ट चल रही है, और यहाँ से आपको बैटरी शो हो जाएगी। यहाँ पे वोल्टेज शो हो रहा है, तो देखिए अभी 50 वोल्ट शो हो रहा है मुझे, और ये जो स्पीड हो रही है, ये स्पीड मैं आपको बता दूँ। तो आप सिंपल ये वायर लगाने के बाद, ये जो मेन वायर होता है, ये जो वायर होता है, ये होता है स्पीड कंट्रोल का। तो ये स्पीड कंट्रोल के लिए आप सिंपल आपकी जो ये वायरिंग है, वायरिंग आया ना इसमें, देखिए ये आपको एक वाइट कलर का ऐसे वायर मिल जाएगा। सभी गाड़ियों में होता है ये वायर, है ना। आप इसमें इसको कनेक्ट कर दीजिए। आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे और गाड़ी का थ्रॉटल दोगे, तो गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी, पर स्पीड शो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पहले आपका मीटर ये वाला है, आपका पहले मीटर एनालॉग था, अब आपको डिजिटल में कन्वर्ट करना है। तो ये इसका ही तार है, जैसे ही आप इसको करोगे, देखिए यहाँ स्पीड शो होने लगेगी आप, ठीक है। तो ये तार को आपको पीछे कैसे कंट्रोलर में कैसे देखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इसमें यहाँ कनेक्ट कर लीजिए, इसके बाद आप चले जाइए इसके कंट्रोलर के पास। जैसे आप इसका कंट्रोलर ओपन करोगे, ये कंट्रोलर की जो वायरिंग होती है, देखिए इसमें ये जो ब्लूइश कलर का जो तार होता है, इसमें मीटर लिखा हुआ होता है। देखिए थोड़ा आप देखिए, इस पर लिखा होता है मीटर, ये लिखा हुआ है मीटर। आप ये आपकी जो वायरिंग है, उसमें यहाँ से देख लीजिए कलर कोड, वाइट कलर का तार आया हुआ है, वाइट कलर का तार आया हुआ है, ये कलर कोड आपने देख लिया। सिंपल ये मीटर वाले तार में आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए। CY गोल्ड का कंट्रोलर हो, चाहे किसी भी कंपनी का कंट्रोलर हो, आपको ये इसमें दिख जाएगा। उसके बाद में आप सामने आ जाइए, जैसे ही आप मीटर में कनेक्ट करके देख लोगे, देखिए अब जैसे आप यहाँ पर थ्रॉटल दोगे, स्पीड बढ़ने लगी। जैसे ही आप एक्सीलेटर दोगे, यहाँ पे आपको स्पीड शो नहीं हो लगी। बस सिंपल आप यहाँ से इसको लगा दीजिए, ये आपका पूरा मीटर का इंस्टॉलेशन हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली जो पहले जो तार जोड़ने हैं वो रेड होता है और ब्लैक होता है, या किसी किसी मीटर में आपको ग्रीन देखने को मिलेगा। बस ये आपकी मीटर की वायरिंग हो गई। ये आप देखोगे एक इंडिकेटर का हो गया, ये लेफ्ट साइड का हो गया, ये राइट साइड का हो गया, और एक जो तार उसमें लगी हुई है वो आपका मेन हेडलाइट का होगा। अभी इसमें शो हो नहीं रहा है,
तो सिंपल आप दो स्टेप में आप मीटर लगा सकते हो। 5 मिनट का काम है, मीटर लग गया है, देखिए स्पीड भी आने लगी, सिंपल। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको क्या डिटेल चाहिए, हम आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करेंगे। अभी हम इसको लगाकर और पूरी आपको टेस्टिंग करके बताएंगे।